Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamun aleyküm Cüley. Piyare beccho, me fir se ek bar aap logon ke samne class first chapter number 3 pesh ka iada aur mashak page number 18 leke hazir hua hu. Inshallah bachcho, mujhe umeed hai ki aap log khairiyat aur afiyat se honge. Inshallah aap logon ko pehle videos aur lectures aap logon ko samajh mein aaya hoga aur aap logon ne achhi tarah copy par bhi likha hoga. Isi tarah aaj ke sabak ko bhi achhi tarah padhna hai aur achhi tarah apne copy par khushkhat ke sath likhna hai. Pehla padhiye aur likhiye. आज का सबक है, पहले पढ़ना है अच्छी तरह, इसके बाद अच्छी तरह खुशखत के साथ लिखना भी है. ये कुर्ता सुर्ख है. ये कुर्ता, ये लिबास, जो ये कमीज सुर्ख रंग का है, लाल रंग का है. सुर्ख का मतलब लाल. मुर्गी कूट कूट करती है. मुर्गी कौन सी आवाज़ निकालती है? मुर्गी कूट कूट आवाज़ निकालती है. इसके बाद हुद हुद. हुद हुद एक परंदे का नाम है. हुदहुद शाख पर बैठा है. हुदहुद टहनी पर बैठा है, यानी दरख्त की शाखों पर बैठा है, बैठने के बाद आराम किया है. उल्लू हू हू करता है. उल्लू हू हू आवाज़ निकलता है. चूज़ा, चूज़ा का मतलब मुर्गी या चिड़िया वगैरह का बच्चा. चूँ चूँ करता है, वो चूँ चूँ आवाज़ निकलता है. कुत्ता बू बू करता है. कुत्ते की आवाज़ जो है बू बू. मुर्गा कुकुड़ू कु करता है. मुर्गा जो है कुकुड़ू कु आवाज़ निकलता है. इंशाल्लाह बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. इसको अच्छी तरह कॉपी पर लिखना है और याद भी करना है. फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आप लोगों से मुआज़रत ख्वाह हूँ. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.